नमस्कार और आप देखें पल पल। फतेहाबाद के भूना में पुलिस कर्मी मिला कोरोना पॉजिटिव। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में था ड्यूटी पर तैनात। दो दिन पहले ही करनाल में हुआ था ट्रांसफर। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले टेस्ट करवाया गया। अग्रोहा से रोजाना गांव डोल्ट से करता था अप डाउन। वहीं पुलिस कर्मी के पॉजिटिव मिलने के बाद विभाग में भी हड़कंप मच गया। इसके साथ ही विभागीय अधिकारी खंगालने में लगे हैं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद के गांव डोल्ट में एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिला। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात था। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल के नाम से बनाया गया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि पुलिसकर्मी वहीं से संक्रमित हुआ होगा। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पुलिसकर्मी के दो दिन पहले अग्रोहा करनाल में और वहां के मधुबन में स्थानांतरण हुआ था। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले टेस्ट करवाने को कहा गया था। पुलिसकर्मी ने हिसार में टेस्ट करवाया जो कि आज रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभागीय अधिकारी भी असमंजस में हो गए और हड़कंप मच गया। विभाग स्वास्थ्य विभाग की टीम अब उसके साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी खंगालने लगी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी अग्रोहा से अपने गांव रोजाना आता जाता था, इसलिए कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश करनी और उसे जरूरी भी हो जाती है। फिलहाल उसके घर पे ही उसे आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर, एक पुलिस का जवान पॉजिटिव मिला है, तो क्या पूरा मामला है? ये हमें आज हिसार से मेल आई है। कोई ये पुलिस का जवान है जो डोल्ट गांव का रहने वाला है, गुना के अंडर पड़ता है। इसकी पिछले दो महीने से अग्रोहा हॉस्पिटल में ड्यूटी थी एज अ कॉन्स्टेबल, और ये दो महीने से वही ड्यूटी कर रहा था। और इसका दिन में ड्यूटी करके शाम को गांव आ जाता था। तो पिछले दो महीने से लगातार ड्यूटी, बट अभी तीन चार दिन पहले इनका ट्रांसफ़र हुआ है करनाल मधुबन में। तो ट्रांसफ़र होने की वजह से वहाँ के करनाल के मधुबन वालों ने इसको सैंपल करवाने के लिए बोला, तो इसने अपना वहीं हिसार में सैंपल करवाया और अग्रोहा से रिपोर्ट आई हिसार के पास कि ये पॉजिटिव है। तो आज ही हमें मतलब थोड़ी देर पहले इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमने सर्वे टीम को भेजा वहाँ पर, तो इसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री ली है हमने। तो ये सिर्फ अभी और कहीं इसकी वहाँ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ अग्रोहा था, और अग्रोहा से शाम को ये अपना गाँव आ जाता था ड्यूटी। तो सर, ये अग्रोहा किसी सक्रम में है या कैसे है? नहीं, अग्रोहा में इसकी एज अ कॉन्स्टेबल ड्यूटी थी वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड की तरह, तो दो महीने से वही ड्यूटी कर रहा था। तो इसको कहाँ क्वारंटाइन किया गया? अभी इसको घर पे क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्योंकि इसके परिवार में तीन लोग हैं। इसके मदर है, फादर है और ये खुद है। इसके पास सेपरेट रूम है, टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है, और परिवार में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी चाहते हैं कि मैं घर पे क्वारंटाइन रहूँ, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इसको घर पे क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसको हमने आज क्वारंटाइन कर दिया घर पे। इसके हेल्थ वर्कर्स ने इनको पूरे बता दिया गया है कि क्वारंटाइन के दौरान क्या क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, और फिर भी हम लोग डेली इनकी विजिट करेंगे। और इसके परिवार के जो मदर और फादर हैं वो नीचे रह रहे हैं, बेसिकली सेपरेट रह रहे हैं। वैसे इसने जब से सैंपल दिया तब से ये क्वारंटाइन ही है, खुद को क्वारंटाइन कर रखा है। फिर भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, किस किस से कॉन्टैक्ट में आया है, उनका सैंपल लिया जाएगा।